इस वीडियो में अपन इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर अपन को इंटीग्रल दे रखा है जो कि गामा फंक्शन से रिलेटेड है, तो देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में बोल रखा है अपन को इंटीग्रेट करना है 0 to 1 किसको, ln ऑफ गामा ऑफ एक्स डीएक्स को। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसको आई के इक्वल लिख देते हैं और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये इंटीग्रल सेम होगा 0 to 1 ln ऑफ गामा ऑफ 1 माइनस x के, बेसिक इंटीग्रेशन की मैंने प्रॉपर्टी लगाई है। अब इन दोनों को ऐड कर देता है, सो 2i इज इक्वल टू 0 to 1 ln ऑफ गामा ऑफ एक्स प्लस ln ऑफ गामा ऑफ 1 माइनस x, इस तरीके से आ जाएगा ये। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर dx है, सो अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देता है, तो ये जो सम है वो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस ये 2i के इक्वल है। अब यहाँ पर तुम्हें गामा फंक्शन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पता होगी, तो यहाँ पर देख लो कि अपना जो x है वो 0 to 1 में वेरी कर रहा है। तो जब x 0 to 1 में वेरी करे तो ये जो प्रोडक्ट होता है गामा ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में गामा ऑफ 1 माइनस x, ये होता है पाई डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली पाई है, पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई एक्स के इक्वल, जब एक्स यहाँ पर 0 to 1 के बीच में है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक प्रॉपर्टी तुम ध्यान रख सकते हो। सो 2i अपना हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 ln ऑफ पाई डिवाइड में साइन ऑफ पाई एक्स डीएक्स। तो अगेन यहाँ पर अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद अब अपन के पास क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 ln ऑफ पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 ln ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स डीएक्स। तो ये वाली चीज तो सिंपली क्या हो जाएगी अपने पास, ln ऑफ पाई हो जाएगी। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं पाई एक्स को यहाँ पर टी के इक्वल रख दूँ, तो मेरे पास पाई डी एक्स यहाँ पर डी टी के इक्वल आ जाएगा। और लिमिट जब एक्स टेंडिंग टू 0 है तो टी टेंडिंग टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, और एक्स टेंडिंग टू 1 पर ये पाई हो जाएगा। ये एल एन ऑफ साइन टी आ गया, डी एक्स की जगह मैं डी टी बाय पाई पुट कर दूंगा, एल एन ऑफ पाई, एंड ये माइनस का 1 बाय पाई बाहर आ जाए, ये 1 बाय पाई बाहर ले लिया और ये इस तरीके से आ गया। अब ये यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर बेसिकली 2 टाइम्स 0 to π/2 ln ऑफ साइन टी डी टी। और ये तुम्हें बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है पता होगी, -π/2 ln 2 के इक्वल होता है। सो सिंपली जो अपना आंसर वो इस तरीके से आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू ln ऑफ पाई, एंड यहाँ पे 2 बाय पाई है, एंड ये माइनस का π/2 ln 2। तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो तुम ध्यान रख सकते हो, और इसको तुम देख भी सकते हो, तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएंगे इसके। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया दिस, तो ये ln ऑफ 2π हो जाएगा बेसिकली, एंड i इज इक्वल टू देखोगे तुम्हारे पास हाफ ऑफ ln ऑफ 2π आएगा। तो फिर बेसिक यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2π की पावर हाफ, एंड ये ln ऑफ √2π आ जाएगा तुम्हारे पास। इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।